नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के बाजार के बारे में। 2021 किस प्रकार से चलने वाला है, 2021 में मार्केट का क्या हाल रहेगा, कहां पर किस चीज़ का दाम ज़्यादा और किस चीज़ का दाम नीचे जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2021 किस तरह से मार्केट को आगे लेके चलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि कहां कहां पर फ्लक्चुएशंस आ सकता है। देखिए 2021 का जो साल रहेगा ये वर्ष संवत 2077 और 2078 के बीच में चलेगा। स्टार्टिंग का जो साल है ये अभी 2077 में चल रहा है, उसके बाद ये 2078 की तरफ चलेगा। यहां पर अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग का जो समय चल रहा है इसमें कालसर्प का भी प्रभाव रहेगा। अभी जो राजा हैं वो बुध हैं और उसके कारण से कहीं ना कहीं देखा जाए तो फसलों में हमें फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा मिल भी रहा है। चंद्रमा मंत्री हैं, इस कारण से बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, तो उसके कारण से देखा जाए तो फसलों में, फूल में, पुष्प में, पत्तियों में, अनाज में, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं अच्छी पैदावार दिखेगी, अच्छे रिजल्ट हमें दिखेंगे। चने की दाल ले लीजिए आप, तिलहन ले लीजिए, तिलहन की चावल की फसल ले लीजिए, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग का जो साल रहेगा, स्टार्टिंग का जो समय रहेगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं समय जो है वो स्थिर है। मार्केट के लिहाज से देखा जाए, फसलों के लिहाज से देखा जाए, अगर आप इसमें भी ट्रेड करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। सोने का अगर यहाँ पर भाव देखें हम यहाँ पर दोस्तों, तो ये जो साल रहेगा ये सोने के लिए काफ़ी ज़्यादा अस्थिर रहेगा। मतलब कि सोना पूरे साल 2021 में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑन और ऑफ दिखाएगा, अप और डाउन दिखाएगा। काफ़ी ज़्यादा ग्राफ जो रहेगा सोने का वो फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आएगा और उसके कारण से आपको काफ़ी ज़बर प्रॉफिट भी हो सकता है और इसमें आप लॉस भी कमा सकते हैं। तो इसीलिए आपको जब सोने में अगर आप कुछ भी ले खरीदारी करते हैं, लेन देन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। 2021 में सोने के ऊपर स्पेसिफिक मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि सोना किस तरह से 2021 में फ्लक्चुएट करेगा। पर सोना अस्थिर रहेगा ये कन्फर्म है। वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होंगे और सोने में कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें दिख सकती हैं। यहाँ पर चांदी की अगर बात करें दोस्तों, तो चांदी में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट और उसके बाद एकदम से उछाल यहाँ पर दिख सकता है। चांदी भी जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा अप और डाउन के यहाँ पर साथ यहाँ चलेगी, बट ओवरऑल चांदी जो रहेगी वो अप की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए बृहस्पति जो है यहाँ पर मकर राशि में है, नीच के हैं और उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हल्दी ले लीजिए आप या फिर पीली वस्तु है, पीली चीज़ें ले लीजिए, उसमें भी कहीं ना कहीं उछाल दिखेगा, एक अच्छा हमें बढ़ता हुआ ग्राफ यहाँ पर दिखाई देगा। सूर्य के कारण जब आम की पैदावार होती है तो वहां पर वर्षा भी अच्छी होगी और आम की सीजन भी जो है वो 2021 में काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। यहां पर अगर हम देखें तो चावल, गन्ना, घी, तेल, इन सब में कहीं ना कहीं तेजी आती हुई दिखाई देगी और जनता को कहीं ना कहीं खर्च बढ़ेगा जनता का, ये पूरी तरह से आप मान के चल सकते हैं। तो मतलब कि व्यापारियों को काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है और जनता को जो है कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। 13 अप्रैल 2021 यहाँ से नए संवत की शुरुआत होगी। देखिए 13 अप्रैल 2021 में जब नया संवत लगेगा उसके उस समय तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर क्योंकि ये पूरे साल का मार्केट का एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर आनंद नामक इस संवत्सर में राजा और मंत्री दोनों ही होंगे मंगल। जब मंगल किसी संवत के राजा भी हों और मंत्री भी हों तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज यहाँ पर दिखाई देगा, कितना भयंकर समय ये हो सकता है। जी हाँ, इसके डिटेल एनालिसिस मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी अगर मैं बताऊं कि मंगल के राजा होने से यहाँ पर वर्षा में कमी आएगी, फसलें जो होंगी वो कम होंगी, बाद का जो सीज़न रहेगा जिसमें जो फसलें होती है उनकी पैदावार थोड़ी कम रहेगी, तो इसीलिए अभी का समय बहुत सही है, जितनी पैदावार करनी है या जितनी पैदावार होनी है वो अभी हो जाएगी। अनाज में एक भारी उछाल देखने को मिल सकता है मार्च के बाद, यहाँ पर घी और तेल में भी भारी उछाल आपको देखने को मिल सकता है, तो जो भी आपको खरीदारी करनी हो वो आप फरवरी मार्च तक कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जानवरों की तरफ से भी दूध की पैदावार कम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए दूध में भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा
बारी दाम हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर दूध की कमी हो सकती है, पानी की कमी, दूध की कमी, लिक्विड प्रोडक्ट्स की कमी होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगे। एक तरह से कुछ जगहों पर हम ये भी देखेंगे अकाल जैसी स्थिति भी यहाँ पर पड़ रही है, जहाँ पर बारिश नहीं आना और फसलों का नष्ट होना, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एक एरिया जो रहेगा या एक पर्सन जो रहेंगे, कुछ समूह जो रहेंगे वो बहुत खुश रहेंगे, तो एक बड़ा समूह जो रहेगा वो कहीं ना कहीं उदास भी यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर बारिश और बारिश के कारण से होने वाली चीज़ें, रसीली चीज़ें, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो वो थोड़ी सी जो है वो कम रहेगी, उनकी पैदावार जो रहेगी वो थोड़ी सी कम रहेगी। औषधियों में अगर हम देखें, आयुर्वेदिक की बात करें, तो आयुर्वेदिक औषधियों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलात यहाँ पर आ सकती है, थोड़ा सा समय यहाँ पर परेशान कर सकता है, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो रहेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म चलेगा, बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर चलेगा। मार्केट में आप बाहर अगर रहते हैं, होटल में अगर आप स्टे करते हैं, तो वो आपके लिए कहीं कहीं महंगा हो सकता है। जी हाँ, होटल के प्रोडक्ट्स जो हो सकते हैं वो भी यहाँ पर महंगे हो सकते हैं, जैसे कि आपके होटल्स की जो भी लग्जरीज होती हैं वो महंगी हो सकती हैं। कॉस्मेटिक्स यहाँ पर महंगे हो सकते हैं, आप जो डेली यूज़ करते हैं, परफ्यूम हो गया, डीओ हो गया, मेकअप के सामान हो गए, वो भी यहाँ पर महंगे हो सकते हैं। सोना चांदी कपूर भी यहाँ पर महंगा हो सकता है, ऐसे भी यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। देखिए, गुरु और शुक्र का जो खेल है ये पूरे साल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देगा, और इसका रिजल्ट जो है वो हमें हर जगह पे देखने को मिलेगा। तो होटल रिसोर्ट में अगर जाना चाहते हैं तो पहले से बजट प्लान करिएगा, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। यहाँ पर देखिए, छोटे व्यापारी जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं मोटी कमाई करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उन्हें हो सकती है। इनकम टैक्स से आपको बच कर रहना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो टैक्स के कारण से आपकी हालत और भी ज़्यादा खस्ता हो सकती है। यहाँ पर सामान के लेन देन में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको सावधानी रखनी है, अदरवाइज मेंटल टेंशन लेके चलेंगे और कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ सकती है, परेशानियाँ आ सकती हैं। यहाँ पर 2021 में देखा जाए तो ऑनलाइन खरीदारी अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा संभल के रहिएगा, महंगाई के कारण या फिर खर्चे बढ़ने के कारण आपकी ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसमें आपको कंट्रोल लगाना पड़ सकता है, और आपके साथ फ्रॉड ना हो इसका भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज 2021 का जो साल रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड का साल रहेगा। जी हाँ, ये बहुत क्लियर कैलकुलेशन है, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो 2021 रहेगा ये फ्रॉड का साल रहेगा। इस साल में चोरी ज़्यादा बढ़ जाएगी आप सभी के साथ, आप सभी के जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर ध्यान रखिएगा, चोरी ना हो, इस तरह की घटनाएँ ना बढ़े, इसका ध्यान रखिएगा। नीच काम जो है वो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, जी हाँ, मतलब कि चोरियाँ बढ़ सकती है और लूटमार बढ़ सकती है, एक दूसरे से छीन के किसी चीज को यूज करना ऐसा हो सकता है, तो यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, बाजार की अगर हम बात करें, निफ्टी की अगर हम बात करें, तो इसमें भी देखिएगा पूरा साल जो रहेगा वो एक अप डाउन वाला साल यहां पर रहेगा। कुछ FMCG प्रोडक्ट जो रहेंगे, FMCG शेयर्स जो रहेंगे वो एकदम से उछाल भी देंगे, एकदम से तेजी देंगे। मेटल सेक्टर्स जो देंगे, पावर सेक्टर्स जो रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा उछाल देंगे, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देंगे। जी हाँ, होटल एंड रिसोर्ट इंडस्ट्री जो रहेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देगी। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर्स जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं गिरावट और फिर उछाल और फिर गिरावट यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से देखा जाए तो 2021 में मार्केट जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट वाला मार्केट रहेगा। गवर्नमेंट कंपनीज जो रहेंगी वो कहीं ना कहीं बाजार में स्टार्टिंग में गिरने के बाद थोड़ा संभालने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। टेलीकॉम कंपनी ऊपर जा सकती है, टेलीकॉम कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये जो साल रहेगा, स्पेशली ज़्यादा जो नुकसान होना है ये होना है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन वाला रहेगा, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा संभल के चीज़ों को इस्तेमाल करना है, बहुत ही संभल के ट्रेड करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये पूरा साल जो रहेगा ये चिंतित रहेगा, चिंताजनक रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, और 2021 में आप सभी को बहुत ही संभल के हर एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई ज़्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को ना मिले। अगर आप निफ्टी में, गोल्ड में, कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन चाहते हैं मुझसे, या अगर आप प्रेडिक्शन चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डेली ट्रेड के प्रेडिक्शंस भी निकालता हूं, वो भी मैं आपको दे सकता हूं, तो अगर ताकि उससे आपको पता चल सकता है कि कहां पर आप फायदा कमा सकते हैं और कहां पर आपको नुकसान हो सकता है। आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, क्या ये साल
ट्रेड के लिए आपके लिए अच्छा है या नहीं है, कोई बड़ी भारी नुकसान की संभावनाएं तो नहीं बन रही है आपके चार्ट में, समझ के और संभल के ही ट्रेड करिएगा और संभल के ही कहीं बड़े लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बाजार का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसमें आपको हर तरह से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।